आज टीम कहाँ जा रही है योगेश? टीम ये देखिए, डन डन सतगुरु तेरा ही है। एक बार कविता आंटी को लेकर बताते, कविता आंटी कहाँ है? ये कविता आंटी रे आज छुपी है। अरे शांति, अरे शांति, ये देखिए जसपुर की बैठे यहाँ से, यहाँ से जसपुर में भी गाड़ी रुकी है। सोचा मैंने, सोचा वीडियो बना ले, एडिट कर ले। सो गाइस, आज हम सब जा रहे हैं हल्द्वानी से हरियाणा गुरुग्राम, जहाँ सफाई अभियान है। सो गाइस, पूरा आपको व्लॉग दिखाता हूँ, चलो चलते हैं। ये देखो नाच रहे हैं, फुल मस्ती कर रहे हैं, फुल एंजॉय के साथ जाते हैं संगत, देख सकते हैं। और ये देखो याद है पीछे भी कर दिया बाप भरे कान से घोड़े पड़े तेरे पास में। सो गाइस, अब हम उतर गए हैं चाय के लिए। देख सकते हैं अब ये हाईवे है, हाईवे से अब हम जा रहे हैं नागे ढाबे की ओर। पूरा दिखाता हूँ आपको, ये देखो काफ़ी खूबसूरत ढाबा है ये, शायद मेरा भी फर्स्ट ही टाइम होगा हरियाणा में, फर्स्ट ही टाइम है। देख सकते हैं काफ़ी सजावट की गई है, लाइटें वाइटें, छोटे छोटे गमले भी हैं। देखिए आप, अब हमको चाय पीते हैं, देखते हैं। ये देखिए हमने ले लिए चाय की कूपन, चाय ले लेते हैं। भैया लिया चाय लिया यार, भैया चाय दो गिलास चाय। देख सकते हैं आप साइड में कूलर है, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के गिलास, इसमें चाय बहुत टेस्टी होती है, मज़ा आ जाता है इसलिए चाय पीने में। जो बनाए रहते हैं उससे भी कई ज़्यादा टेस्टी होती है, मिट्टी के बर्तन वैसे भी काफ़ी टेस्टी होता है सारे सामान। सो गाइस, चाय तो आ गई है, देख सकते हैं आप, बाकी लोग यहाँ पर पी रहे हैं। देखिए आप चाय पी लो, चाय पी लो। चाय में बहुत मज़ा आ गया, बहुत टेस्टी चाय है, टेस्टी लग रही है, पीस भी किया है, पैसा वसूल है, मज़ा आ रहा चाहिए। तो गाइस अभी सुमित चाय पी रहा है, उसको ढीले लाइन में बस में बैठा था, देखो चाय पी रहा है। क्या बोल रहा, देखो कौन सी लड़की ने समोसा दिया, कह रहा था समझ रहे हो आप, उसको दिखाता हूँ मैं कौन सी लड़की ने। ये देखिए अब अभी हम इन्हीं की जो ढाबा है, इन्हीं की दुकानों में आए हैं। देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छे अच्छे सामान हैं, ये देख सकते हैं आप। और इधर खाने पीने की है, इधर देख सकते हैं आप। सो गाइस, ढाबे से हमने चाय वाय पी ली है, जा रहे हैं अब हम अपनी बस में जा रहे हैं, इसके लिए सफाई अभियान में जो कि गुड़गांव हरियाणा में जा हो रहा है, चलते हैं। देखिए ये हमारे काशीपुर बस हॉर्न दे रही है, बस हॉर्न दे रही है, देख सकते हैं आप, बस हॉर्न दिया हो, बस अभी रुक गई है, बस का फ्यूज उड़ गया है। सभी गाइस बहुत छोटे छोटे फ्यूज होते हैं, देखिए आप, तो फ्यूज की प्रॉब्लम तो थी नहीं, अब शायद इंजन में है, इंजन की शायद लगता है नीचे की तार टूट गया है, उसी को जोड़ रहे हैं, उसके बाद चलते हैं। तो गाइस रात को ड्राइविंग में तो और मज़ा आता है, देखिए आप, और वो भी हाईवे में रफ्तार से भाग रही है, और अभी 27 किलोमीटर दूर कह रहा है हल्द्वानी, दिल्ली 27 किलोमीटर दूर। और देखिए लाइटें, बिल्डिंग में लाइटें कितनी मस्त लग रही है, और ये लाइटों से ही पता चल रहा है बिल्डिंग कितनी बड़ी है, वैसे तो पता भी नहीं चल रहा है।
लाइटें जब चली है तो उसी से पता चला है बिल्डिंग कितनी बड़ी बड़ी है, और काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। सुबह हो गई अब गाइस, ये देखिए मैं सुबह सुबह शूट कर लूँ, अब थोड़ा बिल्डिंग दिख रही है बढ़िया बढ़िया, और काफ़ी सुंदर जगह भी है ये दिल्ली। अब हम दिल्ली में पहुँच गए हैं, देखिए आप काफ़ी खूबसूरती है और साफ़ सफाई भी है यहाँ। बस रुक गई है, अब आगे शायद लंगर पानी है, लंगर पानी कर लेते हैं उसके बाद आगे। तो गाइस बस हमारी उतर गई है, आएंगे आएंगे। ये हम गुड़गांव सेक्टर 47 में हैं, तब तक निकाल लेते हैं झाड़ू वाड़ू, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं काफ़ी आ गए हैं यहाँ पे, बसों की बसें आने में लगी हैं। अब हम जा रहे हैं, पहले लंगर कर लेते हैं उसके बाद सेवा होगी, और जैसे बताएंगे हमको सेवा हम वैसे तो सेवा करेंगे। लंगर घर आ गया है, पहले लंगर कर लेते हैं। देख सकते हैं आप सारा रिव्यू, ड्रेस चेंज कर ली है, ग्रीन एस की वर्दी पहन ली है, देख सकते हैं आप। चलता फिरता टॉयलेट है, चाय पानी अंदर ही है, आ जाना फिर। लाइव बना रहे हो क्या? ब्लॉग में, ब्लॉग में डाल दूंगा। कौन सा ब्लॉग तुम्हारा? योगेश कुछ भी। अच्छा, तुमने बताया नहीं यार अभी तक। कुछ भी? हाँ योगेश कुछ भी। कुछ भी डाल देने वाला। कुछ भी डाल देते। पूरी खा लो, लंगर खा लो। हाँ हाँ जी, लंगर लंगर बाबू ले लो। एक ही। सो अभी हमने लंगर पानी तो कर दिया है, अब हमारी सारी संगत बस में बैठ रही है, उसके बाद जाएगी, ये देख सकते हैं आप, उसके बाद बस में चल जाएगी। अभी यहाँ से शायद 2 किलोमीटर कह रहे हैं, 2 किलोमीटर के बाद होगा। ये अभी हमारे भाई जी है कमौला से, अभी देख सकते हैं आप काफ़ी संगत आ गई है। और ये देखिए आप, काफी बड़ी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां हैं सारी, जो हाथ में झाड़ू लेके आ रहे हैं, और ये खुद इन गाड़ियों के ओनर हैं, देख सकते हैं आप। लगातार इस महाअभियान की कवरेज को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी जो भी सड़क के आसपास खड़े हैं बैठ जाएं सभी, और आगे की तरफ तो बिल्कुल भी खड़े नहीं होना, चंद मिनटों में ही कार्यक्रम की शुरुआत होगी, और बिल्कुल अनुशासन का परिचय आपने देना है। बहुत आप भाग्यशाली हैं कि इस नाम की रहमत हम आपकी पाए थी, आपकी पाए थी, ऐसा काम न हमसे होए, ऐसा काम न हमसे होए, जो हो दिल दुखा करके बर्दाश्त कर रहे हैं, प्रभु शीश झुका करके, मालिक शीश झुका करके गाइस। इसमें एक गुड़गांव शहर की मेयर है और दूसरे नगर पालिका के मैनेजर है, इन्होंने ही सफाई अभियान की शुरुआत कर दी है,
अब देखते हैं हमको कहाँ जाने का हुक्म होता है, उसके अनुसार हम जाएंगे और उसे होते हैं। अब हम जा रहे हैं सेवा करने, झाड़ू लगाने, अपना का जोड़ ले लिया है और हम वहाँ से जुड़ने सेवा करने जा रहे हैं। देख सकते हैं आप, झाड़ू सीधी करो कह रहे हैं। ये देखिए भाई हमारे देख सकते हैं आप, काफी पूरा जाम लगा पड़ा है। देखो हल्द्वानी की सारी संगत यही है। तो गाइस ये देखिए लगे हैं जगत भाई जी, इसका सारा कूड़े का ढेर है, इसको हम पूरा सफाई करके जाएंगे और उसके बाद आपको इसका रिव्यू दिखाता हूँ। और ये देखो हमने कूड़े का ढेर बना दिया है, देख सकते हैं आप। इसको मैं और महेश भाई जी मिलकर इकट्ठा कर दे रहे हैं और इसके बाद आपको दिखाता हूँ। इतना बड़ा ढेर हो गया, सो गाइस ये देखिए पूरा साफ कर दिया हमने, कैसे चमक चमका दिया। और इधर की भी अभी रोड पूरी बहनों ने साफ कर दिया, अब हम आगे जाते हैं, आगे सफाई करते हैं। ये देखो हम पाँच जने मिलकर इतना बड़ा ढेर कर दिया, देख सकते हैं इतना ढेर कर दिया। और अब हम जा रहे हैं आगे आगे भाई भाई पूरे 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 गुरुग्राम में 46-47 सेक्टर में हमको सेवा के लिए कहा था। हम हल्द्वानी ब्लॉक से आए हैं, यहाँ भी काफ़ी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, देश विदेश से भी काफ़ी संगत आई है, चाइना भी से, अमेरिका से बोल रहे थे, भी बता रहे थे चाइना अमेरिका से भी आए हैं, बहुत संगत आई है, शायद लाखों में है। हमको तो 46-47 सेक्टर के लिए कह रखा था, हमने पूरा प्लॉट साफ कर दिया है, अब बैठे हम देखते हैं अब क्या हुक्म होता है, क्या बताते हैं। पेप्सी पी रहे हैं अभी, बहुत ठंडा गर्म हो गया है। ये देखिए आप, अब काफ़ी साफ सुथरा लग रहा है, सफाई तो कर दिए हैं। ये जो सामने का प्लॉट है भाई, अब हम रेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा ठंडा पी रहे हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। सो गाइस मैं और सुमित आ गए हैं, मुझे तो नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ, सुमित जागेगा फिर वही जगाएगा, देख सकते हैं बादाम। सो गाइस आगे हो गया रास्ता बंद, कच्चा बादाम। अब हम वेट कर रहे हैं, देखते हैं हमको किस डायरेक्शन में भेजते हैं, शायद बाईपास से भेजेंगे या कहां से भेजेंगे। ये देखिए कच्चा बादाम, बच्चे जग गए हैं, रेस्ट कर रही थी, खाना लगा देना भैया। और ये देखो पराठे मार के सो रहे हैं सबके सब, कच्चा बादाम खा रहे हैं, देखिए कच्चा बादाम पे मैं डांस कर रहा हूं, कच्चा बादाम पे मैं डांस कर रहा हूं, यही होता है। अब हम जा रहे हैं वापस हल्द्वानी अपने शहर। ये देखिए आप बिल्डिंगें वाकई में यहाँ काफ़ी बड़ी बड़ी है, और रोटे तो चार चार फोर फोर लाइन चल रही हैं, दो एक साइड से जा रही हैं, दो साइड एक साइड जा रही हैं। तो गाइस फिर हम आ गए हैं सीवा ढाबा में, देखिए आप चलते हैं, और तो कोई ढाबा मिला नहीं, ये ढाबा सबसे बेस्ट है और काफ़ी खूबसूरत भी है। भाई चाय तो हमने पी ली है, वापस जा रहे हैं अब मिठाई लेने, देखते हैं मिठाई का रेट मिलती है उसी हिसाब से देखेंगे, मिठाई भी है कैसी है दिखाता हूँ आपको। तो भाई देखिए यहाँ काफ़ी अच्छे अच्छे आइटम हैं, देख सकते हैं आप, यही ढाबे का यह दुकान है,
ये देखो मेरे को तो सबसे बढ़िया पसंद ये आई, ये देखो चल जा रही पूरी कैसे भी चल जाएगी। अच्छा ढाबों में यहाँ ऐसे आजकल ज़्यादा डेकोरेशन के सामान ज़्यादा ही रख रहे हैं, ये देख सकते हैं आप हरियाणा का है। चलो चलते हैं, हम अपने फ्रेंड से मिलते हैं। शायद यार चाय पी लूँगी। सुमित की शादी है, कलास की याद देख सकते हैं आप, सब नाच रहे हैं। सुमित की शादी हो रही है, अरे दुल्हन है देख सकते हैं आप। चलो भैया, अरे तू कहाँ पहन रहा है, तो पहन रहा अपने पहन लगा रहा पहले ही। चलो भैया आ जाओ, आ जाओ भैया, ये दुल्हन को भी दे दो यार कोई जयमाला। अरे वीडियो बनाओ, माला हां माला बनाओ, वीडियो बनाओ, आगे आगे बढ़ा। अरे अरे दुल्हन के लिए जयमाला दे दो यार। अरे दुल्हन वाली जयमाला कहां है वहां? अरे दुल्हन के लिए जयमाला दे दो यार, कोई दुल्हन के लिए बैठी है बेचारी। पंडित जी आते दुल्हन की कमी ना 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 मैं वीडियो जर्नलिस्ट देख सकते हैं। दुल्हन नहीं आ रही है, अरे दुल्हन ने मना कर दिया, कैंसिल, दुल्हन ने मना कर दिया। चलो भैया